नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं कि देश और बिहार में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि लगातार बिहार में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस कमी के कारण जो है अस्पतालों में मरीज दम तोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव सिपारा उसा ऑक्सीजन प्लांट में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे। पटना में ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है और इसी के निरीक्षण को लेकर वो वहां पहुंचे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आने की बात छोड़िए, यहाँ आत्महत्या करना पड़े, कोई अस्पताल लगभग बंद, सब जगह बोर्ड लग गई बंद, एक तो बहाना कोरोना का इलाज नहीं करने का, दूसरा लगभग पाटलिपुत्रा में जितना गैस का है वो जितना इंडस्ट्री इलाका है और जितना मेट्रो का काम हो रहा है, टोटल गैस सिलेंडर मेट्रो के कामों में, पाइप कटिंग के कामों में जा रहा है, अस्पताल को नहीं दिया जा। नहीं, आप तो जिला प्रशासन ने जिला प्रशासन आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, एक साल में दवाई उपलब्ध नहीं हुई, एक साल में बेड उपलब्ध नहीं हुआ, एक साल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हुआ, एक सालों में क्या कहते हैं अस्पताल उपलब्ध नहीं हुआ, एक सालों में अभी तक अस्पताल नहीं बना, एक सालों में लोगों के सिक्योरिटी होके जीने का कोई रास्ता नहीं बना, और 12 घंटे में जिला प्रशासन पूरा ऑक्सीजन को लेकर ड्राइमा में फोन पर पूछा रखो, सारा अस्पताल से फोन पर पूछा था बचा लीजिए, ब्लैक आउट ऑफ सर्किट सारा का सारा, जितना मेट्रो है मेट्रो बन रहा है, जितना जो जो चीजें बन रही है, पेपर कटिंग सब ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर के वहां जा रहा है। जिला प्रशासन अलाउद्दीन के चिराग है क्या? क्या पहल होगी आपकी, क्यों आए बात कर रहे हैं? भैया सारा हॉस्पिटल भेजो, जा तो रहा है आपके सामने, भैया कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये प्लांट मात्र एक प्लांट चलेगा तो 25-45 मिनट में 25 ठोक भरेगा, और ये लगभग जो जा रहा है जो सत्ता में बैठे हॉस्पिटल है उसमें जा रहा है, कुछ नहीं किया, सरकारी में नहीं जा रहा है। समाधान कहाँ दिखता है? कोलैप्स कर चुका, कोलैप्स। तो आपने सुना कि पप्पू यादव ने क्या कहा। उनका कहना है कि सभी लोगों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। जुड़े रहिए RAD न्यूज़ से और हम आपको हर अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर जो है आप तक पहुंचा दे रहेंगे।